दाढ़ी जो है सेट करना। कैंची उठाओ इसको, नहीं ये वाला ज्यादा कट जाता है। ये बात है, आपने पुलिस वालों की जगह मेरे पास भेजा, आ जाओ। चलो बेटी, पुलिस की टोपी भले ही हमसे गिर जाए लेकिन राहुल का पल्लू हर गिर गया। टाइम नहीं किया आज, भाई को देख लो, टाइम गिर गया, पल्लू नहीं गिरा दे, पूरा निकालना। अंदर से हो गया है, कोरोना पकड़ेगा, तुम ही जिम्मेदार हो। ये अपने सब सामान को जो है पहले सैनिटाइज करो, तब फिर कटिंग करना। नहीं मैं डिटाल उटाल मान लू, तुम्हारे सामने तो नहीं मारे हो, तुम कहाँ जाने मार दो, मन को आत्मा को थोड़ा सुकून मिल जाए। नहीं यार, पता नहीं कौन सा आदमी कहाँ से आया है, बताएगा थोड़ी ना कि हम लड़का आदमी का बनता है। तो मना कर जीवन में हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं,
किसी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, मतलब साथी के लिए प्यार, शादी, बच्चे, परिवार, जी सब ही मनुष्य जीवन को पूरा करती है। मुझसे कहते हैं कि औरतों को मंदिर का साथ नहीं चाहिए, ऐसा कहा था, ये उनकी एक सोच थी। ये प्रोग्राम पूरा हुआ है तो उसका कारण ही एक मन है, श्री बाबूराव सरकार। Now, the winner of this beauty contest is Miss Beautiful, Miss Elegant, Miss Lovely. Thank you. Thank you. आप श्री बाबूराव सरकार जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी कि वो आप बिना जरूरत के आदमी को बैठाए बिना किया करे मुस्कान सब कुछ जरूरत है तो बैठो बिठा दो। अपने सेल में सेव करके टच में रहूंगा ना, मेरे पास मोबाइल है, चलेगा चलेगा ना, लेकिन उसे उठाता है टीवी सीरियल से टाइम मिलेगा तो ये सब काम करोगी? हाँ
वो देखो वो आ रही, वो तो सिर्फ ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी कॉन्टेस्ट जाती है। ऐसे क्या देख रही, सिंधु के एग्जाम नजदीक आ रहा है, उसे पढ़ाने के लिए कहा था। डैडी अगर इसे पढ़ा तो वो बेटर के पास एक देखो बेटे कल को तुम्हारी शादी बस आ रहा हूं संस्कार वाले तुमसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट का हिस्सा पाएगा नहीं पाएगा नहीं बाबा अपनी क्लास संस्कार दिए हैं ये देखेंगे समझे क्यों रे अरे तक वो कर रहा है गाना अरे भाई क्या कर रहे हो वो बोलते हैं उनका काम होगा
मोदी क्यों हो रहे हैं मोदी दी ऐसी जगहों पे आकर ऐसी चीजों को देखने से कुत्ते का डोर रखना पड़ता है। तो इसलिए मनाओ कि मैं जंगल में आना हूँ, अगर फिर मार सफल जाता तुम्हारे दांत लगा देता है। एक बात बताओ, तुम्हारी जीन्स पैंट तो नीचे सरकती जा रही है और टी शर्ट ऊपर उठती जा रही है। देखना है तो फिर छुपाने से क्या फायदा, यही तो चक्कर है। लड़कियों को देखने पर मन में इज्जत आए, इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। बात अगर मान ली तो कुछ होगी, इस बार कोई देखना नहीं आने वाला। तो मार्च लगन जाता तुम्हारे
बात लगा देता हूँ। जाओ जाकर उनसे पूछो जिनके पास बाल बच्चे नहीं है, तुमने तो अपने बच्चे को पकड़ के छोड़ दिया। ये जो बंदा समझना है ना, रोज में बच्चे ना रहे तो फिर सब कुछ बेकार होता है। इसे ही आप छोड़ कर जो आप शादी कर रही थी ना, अगर कोई तो उठा कर ले जाता तो फिर आप उसको कभी माफ नहीं कर पाती।